गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन आवर क्लासेस वंस अगेन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग. क्वेश्चन नंबर 17, सी दिस. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. हियर सम प्रोसेस इज गिवन एंड यू हैव टू क्लासीफाई इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वेलिंग अप ऑफ ए रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर. रेजिन को अगर हम वाटर में रख दें और वो स्वेल हो जाए, स्वेल मतलब फूल जाए, सो विच प्रोसेस इज दिस. सो स्वेलिंग रेजिन्स मीन्स दिस इज ऑस्मोसिस. स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग. स्प्रेडिंग मतलब वायरस का फैल जाना, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, वायरस के पार्टिकल फैल जाएंगे एयर में. नेक्स्ट, अर्थ वर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कॉमन सॉल्ट. अर्थ वर्म का मर जाना इन कॉन्टेक्ट विथ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट के कॉन्टेक्ट में आने से वो मर जाता है. क्यों मर जाएगा? बिकॉज उसका वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर लॉस होना मीन्स ऑस्मोसिस. श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स कैप्ड इन थिक शुगर सायरप. ग्रेप जो आते हैं उनका श्रिंक हो जाना इन थिक शुगर सायरप, शुगर के सायरप में. तो श्रिंक हो जाना मतलब उसका वाटर लॉस हो जाना, अगेन ऑस्मोसिस. प्रिजर्विंग पिकल इन सॉल्ट. सॉल्ट को प्रिजर्व करना, बचाना, इट इज अगेन ऑस्मोसिस. स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस. सो स्मेल का, स्मेल ऑफ केक चारों तरफ फैल जाना, बेक्ड थ्रू द हाउस, दिस इज डिफ्यूजन. मीन्स पार्टिकल्स का डिफ्यूज हो जाना, फैल जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल. नेक्स्ट, एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो कि वाटर में डिजोल्व रहती है. सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? ऑक्सीजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, अगेन दिस इज डिफ्यूजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. वाटर एज आइस हैज़ ए कूलिंग इफेक्ट, वेयर एज वाटर एज स्टीम में कॉज सीवर बर्न. एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. वाटर अगर आइस के फॉर्म में है तो कूलिंग इफेक्ट देता है, अगर वाटर स्टीम के फॉर्म में है तो ये जला देता है. एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. सो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है. क्यों? देखो, वाटर टर्न्स इनटू आइस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री पर वाटर आइस में कन्वर्ट होगा. वाटर टर्न्स इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री पर वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. When heat is supplied to water, water as a steam has more latent heat. अगर वो steam के form में है तो उसमें more latent heat होगी. While water as liquid does not, लेकिन liquid form में नहीं. Hence, water as steam may cause severe burn, while water as ice has cooling effect. Next question. Alka was making tea in a kettle. Alka जो है tea बना रही है kettle में. Suddenly she felt intense heat from the puff of steam. गशिंग आउट ऑफ द स्पॉट ऑफ द केटल. अचानक से उसकी बहुत तेज हीट आती है. एंड शी वॉन्डर वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वॉज हायर देन देट ऑफ द वाटर. वो आश्चर्यचकित है कि जो स्टीम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है पानी से. वाटर बॉइलिंग इन द केटल, जो पानी के अंदर जो केटल है उससे ज़्यादा टेम्परेचर स्टीम का है. कमेंट, इसके ऊपर कमेंट करना है. सो यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री. 100 डिग्री पर वाटर बॉयल होने लगता है. द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डज नॉट राइज इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट. अगर हम उनको कंटिन्यूसली सप्लाई हीट करते रहेंगे तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा. एज द एक्स्ट्रा हीट इज सप्लाई टू द वाटर इज यूज टू टर्न वाटर इन टू स्टीम. जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं, ज़्यादा हीट उसको और गर्म कर रहे हैं, वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज़ आएगी. हैंस स्टीम हैज़ ए लॉट ऑफ लेटेंट हीट. स्टीम में ज़्यादा लेटेंट हीट होगी विच कैन कॉज सीवियर बर्न. That's why alka felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. Next question. A glass tumbler containing hot water is kept in the freezer. एक glass tumbler है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ, उसको freezer में रखा है. compartment of a refrigerator जिसका temperature 0 degree से कम है. Temperature less than 0 degree. If you could measure the temperature of the content of the tumbler. अगर आप वहाँ का टेम्परेचर मेजर कर सकते थे टम्बलर का,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा इन इट्स टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ग्राफ बताना है आपको। सो इसका ऑप्शन देखो, सी फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप उसको ठंडा करोगे, गर्म चीज़ को फ्रिज में रखोगे, तो पहले टेम्परेचर कम होने लगेगा। देखो ये टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे की तरफ आ रहा मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। देन जब वो पूरे तरीके से जम जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। जब वो कन्वर्ट होता रहेगा आइस में, फिर वो पूरे तरीके से जब वो पूरा जम जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर और डिक्रीज होने लगा। तो ए वाला इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फिगर एंड सजेस्ट, सी दिस फिगर, इस फिगर को देखो, लुक एट द फिगर एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द वेसल ए बी सी और डी, ये ए बी सी और डी दे रखे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाईएस्ट, इन चारों में रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा, मतलब पानी के भाप बनने की स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होगी, एक्सप्लेन करना है इसको। सो देखो, ए वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, ये जो मूविंग फैन लगा हुआ है ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों, देखो इसका आंसर क्या है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ती है, और विंड स्पीड बढ़ाने पर, द सरफेस एरिया ऑफ वेसल सी एंड डी आर सिमिलर। आप देखो सी ए और डी का अगर आप देखोगे तो इनका सरफेस एरिया लगभग सिमिलर है ना, बट द विंड स्पीड इज़ ग्रेटर अबव द वेसल सी, लेकिन विंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में, सी वाले में, जहाँ पंखा लगा, पंखा लगाने से जल्दी वेपर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो सॉलिड से वेपर बनने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड, अगर वेपर से सॉलिड बनेगा तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम। तो देखो सॉलिड से वेपर बने या वेपर से सॉलिड वाले बात एक ही है, मतलब वो दोनों प्रोसेस को हम सब्लिमेशन ही बोलने वाले हैं। द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डिपोजिशन, इस प्रोसेस को डिपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है। तो वॉट इज मीन्ट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। सी सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वो हीट है जो कि मेल्ट करने में काम आती है सॉलिड से लिक्विड में विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सी दिस, यू आर प्रोवाइडेड विद ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थेलिन एंड सोडियम क्लोराइड बाय योर टीचर, आपके टीचर ने आपको एक मिक्सचर दिया है जिसमें नेफ्थेलिन है, सोडियम क्लोराइड है, दोनों चीज़ें मिक्सचर है, मिक्स हो, दोनों को एक दूसरे में मिक्स है हो, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू सेपरेट देम विथ वेल लेबल डायग्राम, एक एक्टिविटी बतानी है कि आप नेफ्थेलिन और सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करोगे। सो देखो ये नेफ्थेलिन इज गिवन और सोडियम क्लोराइड मीन्स हमारे खाने का नमक, ओके तो इन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, दोनों एक मिक्स हुए हैं तो। सो देखो नेफ्थेलिन, मिक्सचर ऑफ नेफ्थेलिन सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हम यूज़ करेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है, यू नो सॉलिड टू वेपर, तो नेफ्थेलिन इज ए सब्लाइम, इट टर्न्स इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंज इन लिक्विड एंड इट्स वेपर चेंज इनटू सॉलिड, उसके वेपर काय में वापस बदल जाएंगे सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए सब्लिमेट, सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन नहीं देगा। तो ये देखो ये प्रोसेस का डायग्राम आप देखो, सी दिस, सी दिस डायग्राम, ये यहाँ पर हमारा मिक्सचर है, इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और इसमें नेफ्थेलिन भी है, तो हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वेपर ऑफ नेफ्थेलिन बनेंगे, तो वेपर बन के इसके साइड में आ जाएंगे और नीचे नमक रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए हॉट समर डे
प्रियांशी एंड अली आर वियरिंग कॉटन एंड नायलॉन क्लॉथ रिस्पेक्टिवली। गर्मी के दिन है, प्रियांशी और अली कॉटन और नायलॉन के कपड़े पहनते हैं। तो प्रियांशी कॉटन के पहनती है, अली नायलॉन के। हु डू यू थिंक वुड बी मोर कम्फर्टेबल एंड वाई? इन दोनों में कौन ज़्यादा कम्फर्टेबल है और क्यों है? तो देखो, गर्मी के दिन में पसीना आता है, तो स्वेटिंग इज़ ए नेचुरल मैकेनिज्म टू कीप आवर बॉडी कूल। पसीना आएगा तो हमें थोड़ी ठंडक महसूस होगी। आवर बॉडी स्वेट्स ए लॉट इन द हॉट समर डे। ए कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। कॉटन के कपड़े स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाइल ए नायलॉन क्लॉथ डज नॉट। इवोपोरेशन ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब बाय कॉटन क्लॉथ रिजल्टेड इन टू कूलिंग इफेक्ट। इवोपोरेशन होगा स्वेट का, जिससे हमको कूलिंग इफेक्ट होगा। द रेट ऑफ इवोपोरेशन आल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये भी हमको पता है, इवोपोरेशन की स्पीड कब बढ़ जाती है? जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। व्हेन वन वियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज, जब कोई वन वियर कॉटन क्लॉथ इन समर डेज, इट एब्जॉर्ब द स्वेट कमिंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी। जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मी में, तो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द सर्फेस एरिया ऑफ स्वेट आल्सो इंक्रीज, सर्फेस एरिया भी बढ़ जाएगा एज इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द कॉटन क्लॉथ विच इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। एंड वन हु वियर कॉटन क्लॉथ फील्स मोर कम्फर्टेबल, है ना, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करेगा बिकॉज ऑफ कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवोपोरेशन ऑफ स्वेट। हैंस प्रियांशी हु वियरिंग कॉटन क्लॉथ विल फील मोर कम्फर्टेबल वाइल अली डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यू वॉन्ट टू वियर योर फेवरेट शर्ट टू ए पार्टी। आप अपना फेवरेट शर्ट पहनना चाहते हो पार्टी में जाने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज स्टिल वेट, लेकिन ये अभी भी गीला है आफ्टर ए वॉश, धोने के बाद। वाट स्टेप वुड यू टेक टू ड्राई इट फास्टर? आप क्या करोगे जिससे वो जल्दी सूख जाए? सो गीले कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए क्या करेंगे हम? सो देखो, गीला कपड़ा कैसे सूखेगा? बिकॉज ऑफ इवोपोरेशन। द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपोरेशन की रेट बढ़ेगी, एंड सरफेस एरिया बढ़ाने से और विंड स्पीड बढ़ाने से, चार चीज़ तीन चीज़ें। सो कीपिंग द कंडीशन टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन माइंड वाइल फॉलोइंग स्टेप बी टेकन टू गेट द फेवरेट शर्ट ड्राइड की। हम क्या क्या करने वाले हैं? फर्स्ट सी दिस, शर्ट शुड बी स्प्रेड ऑन द वायर। हम उसको वायर पे सुखाएंगे, फैला देंगे। दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंड द रेट ऑफ इवोपोरेशन विल बी इंक्रीज। स्पीडी विंड शुड बी सप्लाई टू शर्ट। हम उसको हवा देंगे फैन से, विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। पंखे से जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ डे टाइम, अगर दिन का समय, अरेंज द अबव कॉम्बिनेशन इन द सन। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हम उसको सूरज में रखेंगे, सूरज की रोशनी में, सन की सनलाइट में। सो दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन। थर्ड, इफ़ इट इज़ नॉट ए डे टाइम, अगर दिन का समय नहीं है, ए हॉट आयरन कैन बी यूज। हम एक गर्म प्रेस का यूज़ करेंगे बिफोर हैंगिंग द शर्ट ऑन वायर, वायर में सुखाने से पहले। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दी है, इनके ऊपर कमेंट करना है। ओके, सो सी दिस, इवोपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। इवोपोरेशन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? कूलिंग इफेक्ट। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन वाटर मॉलिक्यूल गेट सम ऑफ द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इवोपोरेशन में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी ले लेते हैं, रिक्वायर्ड काइनेटिक ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल टू गेट एस्केप फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ गेटिंग सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, द टेम्परेचर ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिक्रीज विच इज रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट, जिससे कूलिंग इफेक्ट देता है, हैंस इवोपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जो रेट मतलब स्पीड, जो इवोपोरेशन की स्पीड है, रेट है एक्वा सॉल्यूशन की, वो कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? तो देखो, तो मॉइस्चर प्रेजेंट, जो हवा में, जो एयर एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर, मॉइस्चर मींस वाटर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ए ड्राई एटमॉस्फेयर कैन होल्ड मोर वाटर मॉलिक्यूल देन ए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अगर सूखा है, मतलब गर्मी के दिन है मान लो, या ठंड के दिन है मान लो, ए ड्राई एटमोसफियर ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हैंस द रेट ऑफ इवोपोरेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीज, जिससे
रेट ऑफ इवेपोरेशन की सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड वाइस वर्सा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है ऑलरेडी वाटर एयर में, तो उसकी और वाटर होने और वाटर उसको नहीं ले सकता वो। दैट्स वाई इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्ज दो कंप्रेसेबल इज अ सॉलिड। स्पॉन्ज जो होता है उसको हम दबा सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं, फिर भी ये सॉलिड क्यों है, वाई इट इज सॉलिड। सो सी दिस, सी ये हम पहले भी जान चुके हैं, देर आर लॉट्स ऑफ पोर्स फाउंड इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में बहुत सारे पोर्स होते हैं विच आर फिल्ड विद एयर, जिसमें हवा भरी हुई रहती है। व्हेन स्पॉन्ज इज कंप्रेस द एयर ट्रैप्ड इन द पोर्स एक्सपेल्ड आउट, जब हम उसको दबाते हैं तो उसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। एंड व्हेन इट इज रिलीज, अगर उसको छोड़ते हैं तो वापस हवा भर जाती है तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। देयरफॉर स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल, स्पॉन्ज कंप्रेसिबल होता है बिकॉज ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट्स पोर, क्योंकि उसमें हवा भरी रहती है। एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, इसलिए नहीं कि उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, एज हैपन इन द केस ऑफ गैस। हेंस स्पॉन्ज इज ए सॉलिड, स्पॉन्ज सॉलिड है इंस्टेड ऑफ इट इज कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल होने के बाद भी के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, कॉन्स्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है, जब वो मेल्ट होता है या बॉइल होता है तब। सो देखो, व्हेन हीट इज सप्लाई टू अ सॉलिड से आइस, अगर हम सपोज आइस में हीट सप्लाई करें, इट स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघलने लगेगी। बट टेम्परेचर डज नॉट राइज इवन आफ्टर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट, लेकिन टेम्परेचर फिर भी नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती। सो द एक्स्ट्रा हीट सप्लाइड इज़ यूज इन मेल्टिंग ऑफ आइस, जो हम एक्स्ट्रा हीट यूज़ कर रहे हैं वो आइस को मेल्ट करने में यूज़ हो रही है, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सिमिलरली व्हेन ए लिक्विड से वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, उसी तरीके से वाटर स्टार्ट बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज, टेम्परेचर ऑफ वाटर नहीं बढ़ेगा, डज नॉट राइज इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हीट, कंटिन्यूसली हम उसको हीट सप्लाई करें। द एक्स्ट्रा हीट सप्लाई टू द बॉइलिंग वाटर इज यूज इन द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जो हम एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रहे हैं वो यूज़ होगी इन द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, विच इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दैट्स वाई द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑल ऑफ द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर वन, एंड टूडे अवर चैप्टर वन इज क्लोज्ड, एंड ऑफ द सेशन। ये हमारा चैप्टर वन पूरे तरीके से ख़त्म हुआ, एंड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर आई विल गिव यू द PDF सॉल्यूशन। मैं आपको इसका आज अभी पूरा PDF सॉल्यूशन दे दूंगा, क्वेश्चंस एंड आंसर बोथ, ओके, एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।